हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्तों हमारे पास का जितना भी चिड़िया है, बर्ड्स का कलेक्शन है, उसको हम आज आप लोग को दिखाएंगे। तो वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम आप लोग को ले जा रहे हैं हमारा बजरी का कलेक्शन है, बजीस पैरोट है, उसको पहले हम आप लोग को दिखा रहे हैं दोस्तों। ये बजरी का सेटअप है, इसका वीडियो तो हम पहले भी आप लोग को दिखा चुके हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने ऐसा बड़ा सा केज बना रखा है। और दोस्तों ये बड़ा सा दरवाजा है, और यहाँ पे दाना देने के लिए एक छोटा सा और दरवाजा है जहाँ से हम दाना देते हैं। ये अंडे दिए हैं ये दोस्तों, और ये अभी बच्चा है, और भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो घोंसले से बाहर आ चुके हैं दोस्तों, घूमने वाले हैं लोग। आप देख रहे हैं सारे बर्ड्स ऊपर की ओर जा चुके हैं, इसमें खूब सारे बच्चे अंडे खूब सारे हैं। और हम दोस्तों इन लोग के लिए ये झूला भी बना रखा है लकड़ी से, ऐसा और झूला है जिसको सजाए हैं, और खूब सारा मट्टी से घोंसला बनाए दोस्तों। पिछले वीडियो में हम इसकी सारी जानकारी दे चुके हैं। इसके लिए दोस्तों हम देखो ये मिट्टी भी रखते हैं, इसको भी ये लोग खाते हैं दोस्तों। देखिए दीवार को पूरा छेद कर डाले हैं लोग, धीरे धीरे खाते हैं। ये कैल्शियम के लिए चूना भी देते हैं दोस्तों, ईंट का टुकड़ा भी है, ये सबको ये लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं। नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं दोस्तों डॉग का सेटअप। तो दोस्तों आप देख रहे हैं डॉग बर्ड्स, ये कबूतर नहीं है दोस्तों, कबूतर से छोटा वाला ये अभी अभी ये बाहर आया है घोंसले से, और ये अंडे दिए दोस्तों यहाँ पे किनारे पे। इसका आंख एकदम रेड कलर का है, और ये वाला थोड़ा डिफरेंट कलर का है, इसके गले में कंठ बना है दोस्तों। सबके लिए अलग अलग डेकोरेट हमने किया। और ये तो ऊपर में अलग से बैठी है, और ये भी अपना बैठी है। अब हम दिखा रहे हैं दोस्तों कॉकटेल का कलेक्शन है। ये जो अंडा देख रहे हैं कॉकटेल का है दोस्तों, और इसके लिए हमने ऐसा मटके में ऐसा घोंसला बनाया है। ये लोग खूब आवाज कर रहे हैं दोस्तों, देखिएगा आ जा। अब हम दिखा रहे हैं दोस्तों हमारा जावा बर्ड्स है। ये बहुत ही सुंदर बर्ड्स है दोस्तों। खूब सारे हैं दोस्तों, ये लोग छुप रहे हैं देख के। ये बच्चे हैं अभी बाहर घोंसले से बाहर आए हैं। अब हम दिखा रहे हैं दोस्तों आप लोग को हमारा सिल्वर डॉ का कलेक्शन है, सिल्वर डॉ। और जो पहले हमने दिखाया डॉ, उसका छोटा वाला ये प्रजाति है। आप देख रहे हैं ये अंडे दिए हैं, इस पे बैठी थी ये। अब हम दिखा रहे हैं दोस्तों हमारा फिंच का कलेक्शन है, ये बहुत छोटा बर्ड है। अब हम दिखा रहे हैं दोस्तों लव बर्ड,
ये लोग घोंसले में बैठे हैं और अंडे दे रहे हैं दोस्तों। अब हम दिखा रहे हैं दोस्तों हमारा कछुआ, रेड स्लाइडर कछुआ है ये। इन लोग का छोटा सा दरवाज़ा है, यहाँ से दाना देते हैं तो ये लोग सामने आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा जगह हम लोग बना के रखे हैं दोस्तों इन लोग के लिए। धूप भी आता है पर्याप्त मात्रा में और पानी भी। और ये लोग बहुत छोटे थे दोस्तों, ये जो मैं दिखा रहा हूँ इतने छोटे छोटे थे, बहुत बड़े हो चुके हैं अब। और आप देख रहे हैं दोस्तों गिनी पिग, इसको हैमस्टर भी बोलते हैं। इसके लिए हमने ऐसा केज बना रखा है कटहल पेड़ के नीचे, और इधर अंदर ये लोग घुस जाते हैं अंदर से। यहाँ से इन लोग का रास्ता है, इसके लोग दो कमरा है दोस्तों। अब देख रहे हैं हमारा इतना बड़ा कटहल है। और ये हमारा भतीजा है भार्गव देव, ये डेली आता है और इन लोग को घास खिलाता है। हमारा भाई भी है त्रिजल देव, वो भी इसी के साथ। अभी गर्मी में आएगा तो पूरा सारे जानवरों का देख रेख करेंगे लोग। तो ये है आगे, और हम दिखा रहे हैं दोस्तों ये डक है दोस्तों, छोटा वाला डक है, ये मोती बतख है। अंडे दे रही है, खूब सारे बच्चे हुए हैं दोस्तों, हमने अलग से रखा था इन लोग को। और इसके बाद हम दिखा रहे हैं दोस्तों स्वान, ये छोटा वाला हंस है, हंसराज। और ये इन लोग के लिए ऐसा हमने सेटअप तैयार किया है, छोटा सा पॉन्ड बना रखा है दोस्तों। पानी बहुत पसंद है तो लोग पानी में भी जाते हैं, नहाते हैं। और ये देख रहे हैं दोस्तों एक छोटा सा बच्चा पीठ में बैठा कर रखी, ये अभी अभी बच्चे हुए थे तो हमने क्लिप लिया था। और दोस्तों हमारे पास कबूतर का भी खूब सारा कबूतर है, 400-500 कबूतर है दोस्तों, देसी कबूतर। और ये सारे ओपन घूमते हैं और छोटा सा केज है उसमें रहते हैं। और ये हमारी बहन है नोनी पोनी, ये सुबह इन लोग को दाना खिलाती है तो सारे कबूतर आ जाते हैं। और इसके हम घोंसला दिखा रहे हैं दोस्तों, खूब सारा है, बहुत सारे बच्चे हैं, सबको नहीं दिखा पाएंगे। और इसके बाद दोस्तों हम दिखा रहे हैं हमारा लख कबूतर मशक अली, इसका छोटा सा केज है दोस्तों, अलग से हमने इसके लिए केज बना रखा है। इसमें ब्लैक, ब्राउन, वाइट और ग्रे कलर के हैं लख कबूतर, अरे बहुत ही सुंदर दिखते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं लख कबूतर, ये लोग ज़्यादा उड़ नहीं पाते दोस्तों, हमने इसको अलग से केज में रखा है, बिल्ली आसानी से शिकार कर लेती है करके, ओपन ज़्यादा नहीं छोड़ते हैं। और ये आप देख रहे हैं दोस्तों गिनी फॉल, ये गिनी फॉल बर्ड्स है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करते हैं। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों टर्की है दोस्तों, हमारे पास ब्लैक टर्की, वाइट टर्की, सभी प्रकार की टर्की हैं। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ऐसा ही डांस करता है जो मेल होता है, ये वाइट टर्की है, बच्चे भी हुए हैं दोस्तों। अब हम दिखा रहे हैं दोस्तों ईमू, ये विश्व का दूसरा बड़ा पक्षी है दोस्तों, ये शुतुरमुर्ग प्रजाति का है और ऑस्ट्रेलिया का ये नेशनल बर्ड है। इसके लिए हमने बढ़िया सा सेटअप तैयार किया है दोस्तों, बड़ा सा। ये हमारा भाई है सानू देव और शान देव, ये अभी इन लोग को दाना दिया है। हाँ। और ये दोस्तों ये खुश होके सुबह सुबह ये लोग मस्ती करते हैं दोस्तों, ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, खूब दौड़ लगाते हैं। और गर्मी के दिन में दोस्तों इन लोग के लिए हम फॉगर का सिस्टम बना रखा है, फुहारा हम लगाते हैं इन लोग के लिए, तो बहुत ही खुश हो के लोग नहाते हैं दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, ये फुहारा के नीचे लोग बैठे हुए हैं मस्त हैं। और हमारे पास पर्सियन कैट भी है दोस्तों, खिलौना इन लोग को बहुत पसंद है, बहुत खेलते रहते हैं। और ये कृतिका है हमारी भतीजी, और
बहन है नोनी, लोग बिल्ली के साथ खेलते रहते हैं। और हमारे पास वाइट माउस भी है दोस्तों। और ये हमारी भतीजी है पीहू, ये खरगोश को खेलती रहती है आके। हमारे पास खरगोश भी है और खूब सारे मुर्गियां हैं दोस्तों। सब वीडियो हम बना नहीं पाए, बहुत सारे मुर्गियां हैं। और सारे मुर्गियों के लिए हम अंडे के लिए इंक्यूबेटर बनाए हैं। हमारे बड़े भैया खुद से इंक्यूबेटर बनाए हैं दोस्तों, आगे हम दिखा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये इंक्यूबेटर है। और ये जो फ्रिज खराब हो गया था उसको भैया बनाए थे इंक्यूबेटर, ये ऑटोमेटिक नहीं था दोस्तों। और ये जो बड़ा वाला बनाया है फुल ऑटोमेटिक है दोस्तों। और 1500 मुर्गी के अंडे का है और बटेर का 4500 अंडे का। और ये सारे चूजे इसी से निकल जाते हैं दोस्तों। हमारे पास दोस्तों बकरा भी है और बकरियां भी हैं। तो ये 1.5 क्विंटल का बकरा है दोस्तों, 150 किलो का। आने वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल हम बताएंगे। थैंक यू। और दोस्तों ये जो बकरा देख रहे हैं इसका बच्चा है, और इसके पेट में दोस्तों ये चांद बना हुआ है दोस्तों, और ये ईद के दिन जन्म हुआ था इसका। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग को? पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।